हिंदी व्याकरण रोहिणी भाग वन आप लोग सभी निकालिए इसको। इसमें देखिए पेज 42 अध्याय 10 विलोम सर। विलोम सर किसे कहते हैं? विलोम शब्द किसे कहते हैं? एक दूसरे का उल्टा अर्थ बनाने वाले को विलोम शब्द कहते हैं। उल्टा, छोटा बड़ा, आप अगर छोटे हो तो आपसे बड़े जो है वो बड़ा होगा, तो छोटा बड़ा, मोटा पतला, दिन रात, ये तो आप लोग समझते ही होंगे, दिन उजाला रहता है रात में अंधेरा रहता है, इसी को विलोम शब्द कहा जाता है। हंसना रोना, ऊपर नीचे, देखिए चित्र में दिया हुआ है, गीला सूखा। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बनाने वाले कुछ और शब्द, धरती आकाश, सस्ता महंगा, अपना पराया, सुबह शाम, अच्छा बुरा, अमीर गरीब, ये सब आप लोग अच्छे से अभ्यास कीजिए। उदय अस्त, आगे पीछे, उठना बैठना, खुश उदास, नया पुराना, पास दूर, पूरा पढ़िएगा अच्छा से। सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। धरती का विलोम शब्द क्या होगा बोलिए? आकाश, इसलिए इसमें टिक दिया है। ख, दिन किसका विलोम शब्द है? सुबह या रात? दिन रात। उदय का विलोम शब्द अस्त, तो इसको आप लोग को अभ्यास करना है। सही विलोम शब्द लिखिए, ये भी आप लोग अच्छे से अभ्यास कीजिए। उठना बैठना, गीला सूखा, ये सब आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। खुश उदास, आगे पीछे, ये भी ठीक है। लिखित प्रश्न में देखिए विलोम शब्द किसे कहते हैं, आप लोगों को पता ही है, यहाँ दिया हुआ है, इसको अच्छे से अभ्यास कीजिएगा कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ बनाने वाले शब्द को विलोम शब्द कहलाते हैं। यहाँ दिया है ख में विलोम प्रश्न के 5 उदाहरण लिखिए, 5 तो लिखना है। ये उदाहरण आप लोगों को जानते ही हो, धरती आकाश, सस्ता महंगा, अपना पराया, सुबह शाम, अच्छा बुरा, कुछ भी आप लोग यहाँ से दे सकते हो। तो अगर कुछ भी आप लोगों को दिक्कत हो तो पहले जो बनाया हुआ जो वीडियो है, आगे का जो वीडियो है उसको आप लोग देख सकते हैं। तो अभ्यास रिवीजन में अध्याय 10 का पेज 42 और 43 अच्छा से अभ्यास कीजिए, ठीक है।